आपका इंट्रोडक्शन दीजिए सर. डीजे, आई एम डीजे, डीजे फ्रॉम सर, डीजे संजय, फ्यूचर साउंड्स दिल्ली. ओके, ये दिल्ली से है और मेनली डीजेइंग करते थे, लेकिन लाइव में भी उतना ही अभी, मतलब डीजेइंग में तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, लेकिन लाइव साउंड इंजीनियर के हिसाब से उनको कुछ करना है, तो इसलिए उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया. और पर्टिकुलरली हमारे दिल्ली के अच्छे दोस्त हैं जो साउंड इंजीनियर है, सुशांत रॉय, उन्होंने इनको रिकमेंड किया था कि अगर आपको सीखना ही है तो बॉम्बे जाके बाबा सर से ही सीखना, और उस बात को उन्होंने पत्थर की लकीर समझ के आ गए. अब आगे की बात आप बताइए कि कैसे लगा आपको. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 15 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग ली. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे थे जो मैं यूज करता था, इक्विपमेंट्स भी यूज करता था, पर मेरे को उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, तो जो यहाँ पे आके मेरे को क्लियर मिला, क्लियर हो गया. जो कई जगह मैं कन्फ्यूज रहता था कि उसको फ्रीक्वेंसीज में कहाँ पे किसको काटना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज बहुत कम थी. एक ऑडियंस को ये नहीं पता होता है कितनी फ्रीक्वेंसीज काटनी है, या कभी कोई प्रोडक्ट परचेज करना है उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखे बिना ही ऐसी परचेज कर लेता था, और खाली मार्केट का ब्रांड सुन के कि वो भी चलाता है अच्छा होगा जरूर. और अब सर के पास आने के बाद पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का किसका कहाँ पे क्या होता है, और किस इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा माइक्रोफोन यूज करना चाहिए, और किस तरीके से यूज करना चाहिए, उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए बेसिकली. और स्मार्ट के थ्रू जैसे आरटी करना कि एक साउंड में क्लैरिटी करना, वो सर के पास आके सीखा. उससे पहले तो चलाता था, चलता था साउंड, पर इतना अच्छा क्लियर नहीं होता था. और यहाँ पे आके एक्सपीरियंस से पता लगा कि क्लियर कैसे कर सकते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसीज रिस्पॉन्स करती हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसीज आपको डिस्टर्ब करती हैं, उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाया. मतलब फ्रीक्वेंसी स्वाइप करके आप कौन सी फ्रीक्वेंसी, अच्छी फ्रीक्वेंसी, बुरी फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढ सकते हो और उस पर कैसे काम कर सकते हो, आप सब सभी ने सीखा इस चीज को, और वही हमारा बेसिक है. वैसे जैसे ड्राइवर 260 के अंदर आज तक 100 हर्ट्ज पे कट करके चलाता रहा, वो तो अलग एक्सपीरियंस है, हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रहा. यहाँ पे आके सुनने के बाद पता चला कि क्या चीज चेंज होना चाहिए, क्या मिसिंग करते हैं, क्या मिसिंग करते हैं. कई जगह पे कनेक्शन की वजह से फॉल्ट रहता है. बेसिकली मैं शूटिंग्स वगैरह भी करता हूँ, आरएफ के अंदर बहुत बार फंसता हूँ, और स्नाइजर का आरएफ वर्कशॉप अटेंड करा, तो आरएफ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मेरे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, उनसे भी बहुत सारे सोल्यूशन मिले. कि जो मतलब कई बार बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ कि ऐसा आरएफ डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है, क्यों कितना सिक्योर रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, तो वो मेरा बहुत क्लियर हो गया. इसके लिए मैं आरएफ से बहुत कई बार रहता था, और आगे आरएफ का सारा आगे सेमिनार स्टार्ट करेंगे तो मैं उसको अटेंड करने की कोशिश करूंगा, अगर मेरे को समय मिला तो. थैंक यू संजय भाई, थैंक्स.